हेलो भावना, गुड इवनिंग भाविका, हाउ आर यू बोथ? यू बोथ आर ऑलवेज फर्स्ट वन टू जॉइन इट, ग्रेट, पंचुअल। या भावना एंड नेक्स्ट वन इज भाविका, है ना? हाय प्रीति, हाउ आर यू? सो योर रियल नेम इज प्रीति ओनली? गुड गुड, फाइन, गुड। सो हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर अगेन। क्लिकिंग ऑन माई कंप्यूटर। ओके ओके। हाय मुस्कान, हाउ आर यू? ग्रेट टू सी यू ऑल। आज ना मुझे आप लोगों की ना एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है? हम फोर के न्यून टाइम रिवाइज दोनों सॉन्ग बोथ एंड एट ट्रफला। और बोथ वी कांट रिवाइज, वी कैन रिवाइज ओनली वन, कैन रिवाइज ओनली वन। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सो आज मैं जो कह रही थी, आप लोगों की एक्टिवनेस मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों? कुछ कुछ मैं बीच में पूछने वाली हूँ उसके बारे में, और जो मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ उसके जवाब मुझे चाहिए। और मुझे बताओ सबसे पहले तो, जो जो अभी आ गए हैं लाइव, कि जितने पांच छः जो भी हैं अभी, आप लोग सारे कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो जितने अभी लाइव हैं? हाय काव्या, हाउ आर यू? आप सब ले रहे हो कंपटीशन में पार्ट? भेज दी वीडियो आपने? जो नंबर मेंशन था पोस्ट में उधर ही भेजी है? मुस्कान, उसी नंबर पे भेजी है वीडियो? यस। ओके गुड गुड गुड। तो जो सब लेने वाले हैं वो ना लास्ट डेट का ना वेट मत करो, लास्ट डेट पे वीडियो भेजने का वेट मत करो। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। एक आज आपको एक ट्रिक मत कह लो या कुछ भी कह लो, वो बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप जिस सॉन्ग पे सोच रहे हो वीडियो बना के भेजने का, आपसे पहले कोई उस सॉन्ग पे बना के भेज दे तो उसका इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए अगर आप सोच रहे हो पार्ट लेने की, तो फटाफट अपनी तैयारी करो और 5th से पहले, क्या अभी इन 2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर बना के भेज दो वीडियो। ऐसा ना हो जोन सा सॉन्ग आप लोगों ने डिसाइड करा कोई और उस पर बना के पहले भेज दे, ठीक है? तो फर्स्ट आप ही रहो अपना सॉन्ग डिसाइड करने वाले कि आपने ही उस पर बना के भेज दिया, ताकि आपकी चॉइस पहले उसको ध्यान में रखा जाए। हाय अनीता, हाय देवयांगी, हाउ आर यू बोथ? ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक मिनट टिप समझ लो, कुछ भी समझ लो, तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इन 2 दिन के अंदर फटाफट बना के भेज लो और वेट मत करो, लास्ट डे का वेट मत करना, ठीक है? गुड इवनिंग दिव्यांगी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैन वी डू योर कोरियोग्राफी? हाँ, मेरी कोरियोग्राफी कर सकते हो, मैंने जो सिखाया है वो इसीलिए सिखा रही हूँ। बट एक चीज है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपने आप से क्रिएटिविटी लाओ, कुछ इनोवेशन लाओ, कुछ भी अपने दिमाग से आइडिया लगाओ कि तुम क्या इसमें न्यू अपना कुछ कॉस्ट्यूम ऐड कर सकते हो, कुछ न्यू अपना कुछ प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हो, या अपनी क्रिएटिविटी में क्या दिखा सकते हो तुम इसमें, ताकि कुछ और अच्छा, मेरे से और इनोवेटिव कुछ कर सकते हो, तो वो करो। आई एम ऑल्सो फाइन। हाय मान्या, वेलकम टू आर न्यू स्टूडेंट मान्या, हाउ आर यू? ओके, इंस्टा पर भी भेज दी नंबर, मैं अपना नंबर जो है वो शेयर कर देती हूँ, उसमें जो डाउट है वो मेरे से पूछ लेना, बट मेरे को सेंड नहीं करनी वीडियो। अगर इन केस आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कौन से नंबर पे सेंड करनी है या क्या, तो मुझे मैसेज कर दो, मेरे से वो नंबर ले लो, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे भेजो, लास्ट मुझे भेजो, फिर मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, बट वैसे मुझे नहीं भेजनी, ठीक है? दूसरा नंबर है पोस्ट शेयर हुआ हुआ है उस पर भेजनी है। मैं फिर दोबारा से एक बार अपना नंबर और वो आईडी शेयर कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो मुझे उस पर पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज माई नंबर,
एंड इंस्टा आईडी भी शेयर कर रही हूँ मैं, तो काम पे लग जाओ अपने, फटाफट वीडियो बना के भेज दो, कोई चांस मत छोड़ो कि कोई और आपसे जीत सके, ठीक है, किसी भी रीजन से, कि कोई पहले आपके सॉन्ग पे बना के भेज दे आपके पसंद के सॉन्ग पे, तो इसलिए सबसे पहले आप ही बना के भेजो। सॉरी भावना, व्हाट यू आस्क मी, मे बी आई हैव मिस्ड। हाय झलक, आई एम गुड, हाउ आर यू, लेट मी चेक व्हाट हैव यू आस्क्ड। या कैन, मैंने बताया ना भावना, भावना मैंने बताया आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने किया कि आप हमारी मेरी कराई हुई कोरियोग्राफी कर सकते हो, मैं इसीलिए करा रही हूँ ताकि, और बार बार स्टेप्स भी इसलिए करा रही हूँ ताकि आप वो यूज कर सको, बट ट्राई टू ऐड सम क्रिएटिविटी इन इट, अपनी कुछ इनोवेशन, अपनी कुछ क्रिएटिविटी ऐड करोगे तो और अच्छा लगेगा, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखना लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और अपना नेम और जो भी उसमें मेंशन करके भेजना है, क्लास नेम आई थिंक सो, जो भी मेंशन करके भेजना है वीडियो के साथ अपनी मेंशन करके भेजना, पूरी गाइडलाइंस मेरे से मांग लो। नंबर ऑन व्हाट्सएप मैंने अपना दे दिया है, बाकी जिस नंबर पे फॉरवर्ड करनी है आपको कॉम्पिटिशन की वीडियो, वो इसी पेज पे नंबर शेयर हुआ हुआ है, एक पोस्ट बना हुआ है भंगड़ा कॉम्पिटिशन ऐसे करके, उसमें सारी गाइडलाइंस है और नीचे नंबर है, ठीक है। या दिस इज माई इंस्टा आईडी, ठीक है। अब स्टार्ट करें, आ जाए स्ट्रेचिंग करते हैं, एक भंगड़ा वार्म अप करते हैं, कोरियो पे आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद स्ट्रेचिंग फर्स्ट, ओके गुड।
नाउ बॉडी स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है, वार्म अप भी कर लिया इसमें, बॉडी स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप मिक्स करा। अब भंगड़ा वार्म अप करेंगे, फिर आएंगे कोरियो पे। कोरियो आज हम करने वाले हैं सॉन्ग छल्ले और गुरमान भुल्लर। ओके, किसी ने डिमांड करी थी इस सॉन्ग की। फ्यू डेज आर लेफ्ट, बहुत कम दिन रह गए हैं अब इस कैंप को ओवर होने में, तो अपनी सॉन्ग चॉइसेस भेज दो, बट प्लीज़ बॉलीवुड सॉन्ग मत भेजना, पंजाबी सॉन्ग भेजना जिस पर कोरियोग्राफी हो सके, तो मैं वो कोरियोग्राफीज इन डे में लेने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आई वॉन्ट कि सबके डिमांड्स फुलफिल हो सके, किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसकी सॉन्ग का चॉइस नहीं हुआ। और रिक्वेस्ट है, जिनकी चॉइस का सॉन्ग एक बारी हम कर चुके हैं कोरियोग्राफी में, वो प्लीज़ दोबारा मत भेजना अपनी डिमांड, ताकि बाकी सब बच्चों की पूरी हो सके। नेम ऑफ द सॉन्ग इन द कमेंट, ओके, गिव मी अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग। झल्ले ऑफ गुरमान भुल्लर, ओके, मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया। हैव वॉटर, अब मेरी बात समझ में आ गई मैं क्यों कह रही हूँ फटाफट वीडियोस अपनी भेजनी शुरू कर दो, ठीक है, समझ में आ गई ना, इसीलिए बोल रही हूँ अभी वेट मत करो। कल के दिन में कितने लोग भेजने वाले हैं वीडियोस, पहले मुझे ये बता दो फटाफट, कल के दिन में और परसों के दिन में कौन कौन भेजने वाला है। मैक्सिमम वीडियो सेंड करो कल और परसों के दिन में, क्योंकि लास्ट डे का वेट मत करो, ऐसा ना हो तुम्हारे चॉइस के सॉन्ग पे कोई और पहले सेंड कर दे तुमसे, ठीक है, ओके। एक भंगड़ा वार्म अप छोटा सा, उसके बाद आ रहे हैं अपनी कोरियो पे। कोरियो का जो सॉन्ग नेम है मैंने चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया। अलका, मैंने तुम्हारी चॉइस का, सॉरी काव्या, मैंने तुम्हारी चॉइस का एक सॉन्ग ले लिया है, और मोरनी बनके पे हम नहीं कर सकते कोरियो, इट्स अ बॉलीवुड सॉन्ग, वी कांट डू ऑन इट, ओके। ग्रेट भाविका, गुड गुड गुड। मुस्कान, प्रॉपर लाइटिंग में भेजना, सारी गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए, ठीक है। गेट रेडी फॉर दी वार्म अप, चलो आ जाओ, टेक योर पोजिशन। सूट पोड़ो हट गी तू पापलीन दे, गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे, सूट पोड़ो हट गी तू पापलीन दे, गोडे जे कसाई फिरे बिलो जीन दे, किले कच मोती तेरा सुचा हो गया, नियत कप कप जमा Oh,
दो अपने सॉन्ग चॉइसेस, बार बार रिपीटेडली मत भेजो, ठीक है? मैं देख लूंगी इतने सारे एक साथ. ओके, सेम टाइम सेम जगह इज नाइस. दारू बदनाम अच्छा है, टिन पैग अच्छा है, ठीक है. चलो प्लान करते हैं इनमें से किसी पे. तितलियां ओके, लेट मी थिंक ऑफ इट. लहंगा, थोड़े से दिन रहते हैं, ठीक है. इतने सारे भी मत भेजो कि मैं सबकी डिमांड पूरी मत कर सकूं. गोट, गोट पे कल करिए अभी कोरियो, अभी कल तो करिए. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, कोरियो पे चलते हैं. ओके ओके ओके, बस एक एक बार अपनी सॉन्ग चॉइसेस भेज दो. अब इधर फोकस करो जो आज की कोरियो है. सॉन्ग नेम झल्ले और गुरमान भुल्लर, स्टार्टिंग विद आवर कोरियो सेशन नाउ. फोकस हियर, फर्स्ट स्टेप लेग्स पैरेलल, लेफ्ट लेग को राइट के आगे लेके जाना है, राइट लेग को लेफ्ट के आगे लेके जाना है. इजी लेग मूवमेंट, इजी. लेफ्ट लेग को राइट के आगे लेके जाना है, राइट लेग को लेफ्ट के आगे लेके जाना है. जब हम इधर ले जा रहे हैं और इधर ले जा रहे हैं, हैंड मूवमेंट, वन टू, हैंड्स रोल. बॉडी भी हमारी इधर इधर शिफ्ट होगी, ठीक है. अब इस साइड पे जा रहे हैं, वन, इस साइड पे गए टू, ठीक है. वन टू, सिंगल टाइम, वन टू, क्लियर हुआ. अब हैंड मूवमेंट, दोनों हैंड्स ऐसे करके पीछे जाएंगे, दोनों हैंड्स ऐसे करके पीछे जाएंगे और फिर सामने आ जाएंगे. बॉडी को बेंड करते हुए आजो आजो. अब इधर फोकस करो, ठीक है. अब कमेंट्स करने अभी बंद कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो. अदरवाइज आई हैव टू कम फॉरवर्ड टू लुक कि आप लोगों को कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा, आप उस बारे में बात कर रहे हो कि किस बारे में, ठीक है. वन टू थ्री फोर, ठीक है. इधर गए रोल किया, इधर गए रोल किया, लेफ्ट लेग को आगे किया राइट के, राइट लेग को आगे किया लेफ्ट के. अब लेफ्ट लेग को राइट के पीछे किया, पहले आगे किया फिर राइट लेग को आगे किया, अब लेफ्ट लेग को राइट के पीछे किया और राइट लेग को एक बारी टैप करा. लेग मूवमेंट क्लियर. लेफ्ट लेग को राइट के आगे लेके गए, राइट को लेफ्ट के आगे लेके गए, लेफ्ट को राइट के पीछे लेके गए, स्ट्रेट होके राइट को टैप किया. हैंड मूवमेंट, हैंड को रोल किया, हैंड को रोल किया, बॉडी को बेंड करते हुए हाथ को ऐसे नीचे लिया और फिर सामने स्ट्रेट कर दिया. जो हमने ये वाला स्टेप सामने किया था ना पहले अभी कोरियो में, अब हमने इसमें ये वेरिएशन करके इसको साइडवर्ड करना है और स्ट्रेट होना है, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट स्टेप, लेग्स को ब्रॉड कर लेंगे, बॉडी को हल्का सा बेंड करेंगे, दो बारी राइट साइड पे ऐसे शोल्डर मूव करने हैं. अब जो राइट साइड पे आप हो रहे हो ना, सीधा ऐसे शिफ्ट नहीं होना, राइट साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट हो रहे हो ना, तो लेफ्ट लेग की हील्स को उठा ले रहे, ऊपर हील्स उठी होगी. राइट साइड पे हुए, वन टू, फेस भी राइट साइड पे. अब लेफ्ट साइड पे हो गए तो राइट पैर की हील्स को उठा के थ्री फोर, दो बारी शोल्डर इधर टैप करा, दो बारी शोल्डर इधर टैप करा, शोल्डर में अप डाउन अप डाउन, ये मूवमेंट करनी है इजी. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पहले हैंड मूवमेंट देखो.
हाथ नीचे आए, वन साइड पे हुए टू, हाथ नीचे गए थ्री, लेफ्ट साइड पे हुए फोर, हाथ नीचे गए राइट साइड पे ऐसे किया वन, फिर हाथ नीचे गए राइट लेफ्ट साइड पे किया टू। अब लेग मूवमेंट, बैठना है जंप करके टोस पे, हल्का सा उठना है, फिर लेफ्ट साइड पे हाथ करना है, फिर बैठना जंप करके हल्का सा उठना है, सॉरी पहले राइट पे हाथ करना है फिर लेफ्ट पे ओपन करना है। देखो लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट दोबारा देखो कैसे जंप करी मैंने एक अपनी टोस पे नीचे, हाथ मेरा ये, अब मैं उठूंगी हाथ मेरा राइट साइड, अब मैं दोबारा जंप करूंगी हाथ नीचे, अब मैं उठूंगी हाथ मेरा लेफ्ट साइड, ठीक है। करें ये वाले स्टेप सॉन्ग के साथ यहां तक, ग्रेट। वहां से स्टार्टिंग से लेकर यहां तक सॉन्ग के साथ कर रही हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? फटाफट बताओ आगे मूव करें, टेल मी फास्ट, जल्दी जल्दी। ये भी अच्छा सॉन्ग है, इस पे भी बना सकते हो आप लोग अपनी कंपटीशन की वीडियो, ठीक है। कोरियो भी बहुत प्यारी है आज की, इजी भी अच्छी भी, ठीक है। चलो यस यस यस, आगे आगे बढ़ रहे हैं। डाउन गए हल्का सा उठे राइट साइड, डाउन गए हल्का सा उठे लेफ्ट साइड। अब इसके बाद ये स्टेप हम अपना कर चुके हैं पहले, इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है बस। टोस को टैप किया लेफ्ट लेग की, टोस को टैप किया राइट साइड की, ठीक है। टोस को टैप किया लेफ्ट साइड की, टोस को टैप किया राइट साइड की, फिर लेफ्ट लेग को बैकवर्ड लिफ्ट करके थ्रो किया फ्लोर पे, फिर राइट लेग को बैकवर्ड लिफ्ट करके थ्रो किया फ्लोर पे, टोस टैप, लेग को लिफ्ट करके थ्रो किया, लेग को लिफ्ट करके थ्रो किया, हैंड मूवमेंट। लेफ्ट साइड पे टोस टैप कर रहे हैं बेंड करके क्लैप, राइट साइड पे टोस टैप कर रहे हैं बेंड करके क्लैप। अब जब हम थ्रो कर रहे हैं लेफ्ट लेग को और राइट लेग को तो हमारी हैंड मूवमेंट क्या रहेगी, वन टू। अभी हमने ऐसे ऐसे रोल किया था ना साइड पे, अब हम सीधा सीधा रोल करेंगे, वन टू, ठीक है। क्लियर हुआ? दोबारा बताओ, हैंड मूवमेंट लेग मूवमेंट एक साथ। टोस को टैप किया लेफ्ट लेग की क्लैप, राइट लेग की टोस को टैप किया क्लैप, लेफ्ट लेग को बैकवर्ड थ्रो कर रहे हैं हाथ ऊपर रोल, राइट लेग को बैकवर्ड थ्रो कर रहे हैं हाथ रोल। ये स्टेप हमें करना है दो बारी, कितनी बार करना है ये स्टेप हमें, दो बारी। सॉन्ग नेम इज झल्ले ऑफ गुरमान भुल्लर, ओके। टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश किया करो, अब यहां से लेकर यहां तक सॉन्ग के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग से यहां तक इस स्टेप तक, ये स्टेप कितनी बार करना है, दो बारी। ये स्टेप खत्म करने के बाद जब तक झल्ला जया मैं तू भी झल्ली मिल गई ये वाली लाइन नहीं आ रही तब तक हमें ये करना है। ये स्टेप हम कर चुके हैं, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड को तीन टैपिंग में लेफ्ट साइड लेके गए, लेफ्ट हैंड को ऊपर कर लिया, राइट हैंड को तीन टैपिंग में राइट साइड लेके गए, अपनी जगह पे पहुंच गए राइट हैंड को ऊपर कर लिया,
फिर लेफ्ट हैंड को तीन टैपिंग में लेफ्ट साइड लेके गए हाथ ऊपर, राइट हैंड को तीन टैपिंग में राइट साइड लेके गए हाथ ऊपर, ठीक है। ये बार टू थ्री फोर, फोर टू सिक्स टाइम्स आएगा ये आपकी बीट पे, ठीक है। अब लेग मूवमेंट देखो, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, बॉडी को हल्का सा बेंड करके पहले बैकवर्ड टैप किया, वन टू थ्री साइड पे गए, फिर इस साइड वन टू थ्री, फिर अगेन वन टू थ्री, वन टू थ्री। आप लोग ना इस स्टेप में हाथ की गलती कर देते हो, हाथ ना कुछ ऐसे चला देते हो, फिर इसी को ले आते हो, कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हो इसमें। तो हाथ का ध्यान रखना, राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट अपने घर पहुंच गया, सोचो लेफ्ट अपने घर पहुंच गया, ऊपर हो गया। अब राइट को अपने घर पहुंचाया, राइट अपने घर पहुंच गया, ऊपर हो गया। अब लेफ्ट को अपने घर पहुंचाया ऐसे, ठीक है। टैपिंग, लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट टुगेदर, वन टू थ्री, 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 ओके। स्टार्ट करें अब यहां तक सॉन्ग के साथ। फर्स्ट स्टेप रोल, रोल बेंड बैक फॉरवर्ड, दो बारी शोल्डर टैप, बेंड राइट हैंड अप, बेंड लेफ्ट साइड हैंड्स अप, क्लैप क्लैप सॉरी क्लैप क्लैप, हैंड्स रोल हैंड्स रोल, क्लैप क्लैप, हैंड्स रोल हैंड्स रोल। देन उसके बाद हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से सारी दुनिया ने दिलों कटिया सी, मैं नी तेरे जो कर अपने तो छड्या सी मैं, सारी दुनिया ने दिलों कटिया सी, मैं नी तेरे जो कर अपने तो छड्या सी मैं, सिंगल सी मैं तू भी चली मेरी, सिंगल सी मैं तू भी चली मेरी, छड्या मैं तू भी चली मेरी, छड्या मैं, ठीक है। फोर टाइम्स आ रहे, वन टू थ्री फोर, चार बारी आएगा हमारा ये स्टेप, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया झल्ला जय, हमें मैंने कहा था यही तक करना है ये स्टेप, अब ये हमारी लाइन स्टार्ट हो गई। अब इसमें हमें कैसे करना है, राइट लेग को लेफ्ट के आगे लेके गए, दो बारी मूव किया, राइट लेग को लेफ्ट के आगे लेके गए, दो बारी हल्का हल्का सा किक किया, इमेजिन वही बॉल पड़ी है, लेग को उठा के लाए यहाँ पे, दो पहले एक बारी किक कर देते, अब दो बारी किक करा, ठीक है। अब लेफ्ट लेग को राइट के आगे लेके गए, दो बारी किक करा, ओके। राइट को लेके गए, दो बारी किक करा, लेफ्ट को लेके गए, दो बारी किक करा, ओके। हैंड मूवमेंट, रोल 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 रोल, जब हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो हाथ नीचे दो बारी रोल होगा, राइट साइड पे जा रहे हैं तो हाथ ऊपर दो बारी रोल होगा। लेग मूवमेंट हैंड मूवमेंट टुगेदर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये हमें कितनी बार करना है, दो बारी। लेफ्ट साइड पे की एक बारी, राइट साइड पे की एक बारी, मतलब टैपिंग दो आ रही है इसमें, लेफ्ट साइड पे किया राइट साइड पे किया, फिर दोबारा लेफ्ट साइड पे किया, दोबारा राइट साइड पे किया। इसके बाद दोबारा ये लाइन स्टार्ट हो रही है, झलना चाहिए अब मैं तू भी झली मिल गई, फिर क्या करना है इसपे, आप स्टेप चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को बैकवर्ड लेंगे, राइट लेग को बैकवर्ड लेंगे, लेफ्ट लेग को बैकवर्ड लेंगे, राइट लेग को बैकवर्ड लेंगे, चार बारी लेग्स को बैक 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 बैक। हैंड मूवमेंट, दोनों हाथ ऐसे नीचे रखे, राइट साइड पे मूव हो रहे हैं जब लेफ्ट लेग उठ रही है, लेफ्ट साइड पे मूव हो रहे हैं जब राइट लेग उठ रही है। तो जब हम इधर को जा रहे हैं हल्का सा शोल्डर हमारे ऊपर को उठेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, शोल्डर को ऊपर उठाना है, ठीक है। देखो वन टू, उठे ऐसे ऐसे उठ रहे हैं वैसे शोल्डर उठेंगे ऊपर, वन टू, झलना चाहिए मैं अब तू भी झल्ली मिल गई में, लेग्स वही बैकवर्ड मूव होगी, दो फिंगर्स को ऐसे रोल करना है अपने फोरहेड के आसपास, झल्ली मिल गई, फिर दोबारा झलना चाहिए मैं
तू भी जल्दी मिल गई। ओके क्लियर। लेग मूवमेंट सेम है, बैक बैक, हैंड मूवमेंट, शोल्डर अप, रोल रोल, शोल्डर अप, फिंगर्स फोरहेड के पास, रोल रोल। ओके इजी, कोई डाउट? ठीक ठीक कह सकते हैं, थोड़ा जल्दी भी कवर अप हो सकता है क्योंकि काफी सारे स्टेप सीखे हुए हैं। ठीक है, यहां तक करें सॉन्ग के साथ? यस यस श्योर, वी आर डूइंग विद सॉन्ग, श्योर। ओके रेडी, पोजीशन ले लो, सॉन्ग जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सारी दुनिया ने दिलों कटिया सी, मैं नी तेरे जो रब ने तो छटिया सी, मैं मैटर करते हैं, एक्सप्रेशन जरूर दिया करो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सॉन्ग किस किस को? यहां तक क्लियर हो गया तो सपोज करो हमारी हाफ कोरियो हो गई, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है? पहले बता दो फिर आगे बढ़ जाएंगे हाफ कोरियो पे, फिर दोबारा वापस आके स्टेप्स बताना मुश्किल होता है। अभी बताओ, क्लियर, गुड, क्लियर, गुड। कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है? काव्या टेल मी कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है? प्रीति कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है? मे बी इट्स सॉन्ग स्टार्ट्स आफ्टर आई स्टार्ट डांसिंग, मे बी इट्स विद द नेटवर्क कनेक्टिविटी बाय माई साइड और बाय योर साइड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। If everyone is facing, then it's maybe by my side. Last step clear नहीं है, okay. दोबारा बता रही हूँ last step. देखो, right leg को उठाया, left के आगे लेके गए. ठीक है? Imagine एक छोटी सी ball है, उसको एक बारी kick करा आपने, आगे को नहीं बड़ी हो, उसको एक और बारी kick करा. ठीक है? Easy. राइट लेग को उठाया लेफ्ट के आगे, इमेजिन एक बॉल है, उसको किक करा, वो आगे नहीं पड़ी, उसको दोबारा किक करा। ठीक है, अब लेफ्ट लेग को उठाया राइट के आगे, वो बॉल घूम के सपोज करो यहाँ पे आ गई, अब इसको किक करा, वो आगे नहीं बढ़ी, फिर इसको किक करा। ठीक है, अब जब लेफ्ट साइड पे किक कर रहे हो तो हैंड मूवमेंट रोल होंगी दो बारी नीचे, वन टू, राइट साइड पे किक कर रहे हो हैंड मूवमेंट रोल होंगी ऊपर दो बारी, वन टू, दो बारी किक कर रहे हो ना वैसी रोल होंगी, वन टू थ्री फोर, दो बारी किक करा, ये स्टेप हमारा दो बारी रिपीट होगा। इसके बाद जो स्टेप है लेग मूवमेंट सेम, वन टू थ्री फोर, सीधी सीधी मत लेग को ना नीचे करा करो, थोड़ा ऐसे स्विंग होते हुए नीचे करा करो, वन टू थ्री फोर। अब हैंड मूवमेंट इसमें क्या आ जाएगी, हाथ ऐसे नीचे, इधर को जा रहे हैं शोल्डर लेफ्ट, इधर को जा रहे हैं शोल्डर लेफ्ट, अब दोबारा इधर को जा रहे हैं फोरहेड के या दो फिंगर्स रखनी है, रोल रोल, फिर दोबारा नीचे शोल्डर लेफ्ट, रोल रोल। ये हमने स्टेप कितनी बार रिपीट करा, दो बार। ठीक है, देवदत्त, सॉन्ग नेम इज झल्ले और गुरमान ब्लर, सुनते नहीं हो तुम बच्चे, कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है सॉन्ग नेम। ठीक है, बड़े आगे यहां तक,
थैंक्स फॉर रिप्लाइंग फॉर द सॉन्ग नेम. चलो रेडी पोजिशन ले लो, सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा एकदम. यहाँ तक हमें करना है एक बार, एक बार ही दोबारा हाफ कोरियो रिपीट करेंगे, फिर आगे के स्टेप्स देखते हैं, ठीक है. जिसको ये स्टेप क्लियर नहीं था लास्ट वाला, वो साथ में करना मेरे ताकि क्लियर हो जाए. सारी दुनिया ने दिलों कटिया सी मैं नी तेरे जो कर अपने तो छटिया सी मैं. आगे बढ़ रहे हैं, आगे वाला जो स्टेप है वो सिंगल स्टेप, एक लंबा स्टेप है, तो ध्यान से देखना, ठीक है. वो सिंगल स्टेप एक पूरी बीट कवर कर रहा है, ध्यान से देखना स्टेप को. पोजीशन लेंगे, लेग्स दोनों पैरेलल है, ठीक है. अब राइट लेग को थोड़ा सा आगे किया, राइट लेग को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा. अब राइट लेग ऊपर उठेगी, बॉडी डाउन हल्की सी ऐसे, ये मैंने हल्की सी बॉडी को डाउन किया. राइट लेग ऊपर उठी, हल्की सी बॉडी डाउन, फिर राइट लेग ऊपर उठी, हल्की सी बॉडी डाउन. दो बारी लेग को लिफ्ट करा, वन टू, दो बारी लेग को लिफ्ट करा ऊपर. इसके बाद क्या करेंगे लेग को, इसके बाद दोनों लेग को साइड 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 मूव करना है. वन टू थ्री फोर, दो बारी लेग्स को ऊपर लिफ्ट करा, वन टू, दो बार फोर टाइम साइड, वन टू थ्री फोर, ठीक है. फिर लेग को दो बारी ऊपर लिफ्ट करा, वन टू, फिर लेग को फोर टाइम साइड पे, वन टू थ्री फोर. ये स्टेप न्यू है, ये पहले कोरियोग्राफी में नहीं किया अभी तक, ठीक है. ध्यान से देखना, राइट लेग ऊपर है, सॉरी ऊपर है, राइट लेग फॉरवर्ड करी, दो बारी ऊपर लिफ्ट करा, वन टू, अप साइड, वन टू थ्री फोर, फिर ऊपर लिफ्ट करा, वन टू साइड, वन टू थ्री फोर, ठीक है. हैंड मूवमेंट देखे, जब लेग हमारी ऊपर आ रही है हैंड्स हमारे नीचे रहेंगे, वन टू. अब जब लेग्स हमारी साइड मूव कर रही है हैंड्स हमारे कमर पे, फिर लेग को हम ऊपर उठा रहे हैं हैंड्स डाउन डाउन, फिर लेग्स को साइड मूव कर रहे हैं हाथ हमारी कमर पे. इजी लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, अब एक साथ देखेंगे फिर पता लगेगा, ठीक है. फिर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ट्राई करना मैच करने के. स्टार्ट, लेग को ऊपर उठाना है हाथ को नीचे, वन, फिर उठा ऊपर, टू, अब हाथ आ जाएंगे कमर पे. अब जब हम लेग को मूव कर रहे हैं पहले पीछे ला रहे हैं मूव करते हुए, वन टू थ्री फोर, ठीक है, पीछे चले गए. अब फिर उठाओ हाथ नीचे लेग ऊपर, वन टू. अब दोबारा से लेग्स को साइड में मूव करना है, अब हम आगे आ जाएंगे, अभी पीछे गए थे अब आगे आ जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे रख के, वन टू थ्री फोर, आ गए आ गए आ गए आ गए आगे, ठीक है, आगे आ गए. अब इसको हमें थोड़ा सा फास्ट उसमें करना है, दोबारा मेरे साथ करना थोड़ा सा फास्ट उसमें, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, ठीक है. पहले पीछे जाना है फिर आगे आना है, पीछे गए आगे आ गए. अब इसके आगे का भी स्टेप कंटिन्यूशन में ही है इसके साथ, ठीक है. बड़ा स्टेप है ये, एक सिंगल करी बॉडी को, लेफ्ट लेग को दो बारी टैप करा सामने, वन टू, लेफ्ट लेग को दो बारी टैप करा सामने, वन टू. हैंड मूवमेंट क्या रहेंगे लेग्स को टैप करते हुए, ऐसे ऐसे हाथ को बनाना है, ठीक है. वन टू, पीछे आते हुए क्लोज, आगे आते हुए ओपन, वन टू. और हमारी फेसिंग कहाँ होनी चाहिए, आईज हमारी हैंड्स के ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है. लेग्स को टैप किया, वन टू, ठीक है. हाथ
क्लोज ओपन क्लोज ओपन, दो टैपिंग करी। अब इसके आगे भी ये स्टेप सिंगल स्टेप कंटिन्यू हो रहे हैं इसके आगे भी। अब एक हाथ हमारा आ जाएगा, लेफ्ट हैंड हमारा आ जाएगा ईयर्स के पास, राइट हैंड हमारा आ जाएगा स्ट्रेट, और ये करते हुए हमें एक राउंड लेके सामने आ जाना। लेफ्ट हैंड ईयर्स के पास, राइट हैंड सामने, ये करते हुए राउंड लेके दोबारा साइड पोजीशन गेन कर लेंगे। अब राउंड कैसे लेना है, एक एक लेग को लिफ्ट करते हुए बैकवर्ड देखो, 1 2 3 4 5 कैसे, लेफ्ट लेग से हमें, लेफ्ट लेग को हमने दो बारी टैप करा, हाथ ओपन क्लोज, लेफ्ट हैंड कान पे आ गया, लेफ्ट लेग हमारी स्पॉटिंग ही रहेगी, राइट लेग से घूमते घूमते वापस साइड पोजीशन गेन कर लेनी है। 1 2 3 4 बॉडी को हल्का सा बेंड करके 1 2 3 4 अब खाली इतने स्टेप को फिर रिपीट करना है, 1 2 1 2 3 4 कंफ्यूजिंग हुए कंफ्यूज, न्यू स्टेप है और लंबा स्टेप है, ये सिंगल स्टेप है और कितना लंबा है बताओ। अभी मैं दोबारा बताऊंगी पूरा कंप्लीट हैंड मूवमेंट लेग मूवमेंट्स के साथ, तब भी अभी बताओ किसको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया वो बताओ, और जिसको थोड़ा थोड़ा क्लियर है वो लिख दो कि थोड़ा सा क्लियर हो गया। टेल मी फास्ट, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ना, अभी करते हैं दोबारा क्लियर इसको। क्लियर, ओ वेरी गुड, वेल डन, क्लियर गुड। कंफ्यूज या थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, कोई नहीं मैं अभी दोबारा बता रही हूँ, टेंशन मत लो, आई एम टेलिंग वंस अगेन। चलो फुल क्लियर, गुड, ऑल क्लियर, वेल डन वेल डन वेल डन। चलो जिसको क्लियर है बहुत अच्छी बात है, वो दोबारा देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है वो भी दोबारा मेरे साथ करो, बेटर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल स्टेप ये कैसे परफॉर्म करना है, 1 2 पीछे गए, ठीक है, दोबारा 1 2 आगे आ गए, अब दो बारी लेफ्ट लेग को टैप करा, 1 2 राउंड, 1 2 3 अगेन टैप करा, 1 2 राउंड, 1 2 3 ठीक है, हैंड्स डाउन लेग्स अप, दो बारी किया कमर पे हाथ आ गया पीछे चले गए, हैंड्स डाउन लेग्स अप कमर पे हाथ आ गया आगे आ गए, हैंड ओपन क्लोज राउंड, ओपन क्लोज, लेफ्ट लेग को स्पॉट पे रख के राउंड, डन। स्टार्टिंग से लेकर यहां तक सॉन्ग के साथ कर रहे हैं, ठीक है, ओके गुड, अब क्लियर हो गया ना, अब वहां से लेकर यहां तक सॉन्ग के साथ, ओके लेट मी प्ले द सॉन्ग, रेडी, पोजीशंस ले लो फटाफट, सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। सारी दुनिया ने दिलों कंडिया सी मैं, नी तेरे जो का रब ने ता छड़िया सी मैं, सारी दुनिया ने दिलों कंडिया सी मैं, नी तेरे जो का रब ने ता छड़िया सी मैं, सिंगल सी मैं तू भी कली मिलगी, सिंगल सी मैं तू भी कली मिलगी, ठीक है, अब वो देखते हैं, गुड वेल डन, सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं ना, बहुत प्यारी कोरियो है,
आराम से सीखो, क्लियर हो जाएगी। थोड़े से, दो तीन स्टेप्स बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। जैसे कौन कौन आप में से पंजाब साइड गया, पंजाब साइड गया है या खेत देखे हैं, फील्ड्स कुछ भी देखी है, वो बताओ किसने देखा है। गुड। नो, खेत जिसने देखे हो, फील्ड्स किसी ने देखी हो, यस नो, किसने किसने देखा है। मैंने देखा है, गुड। और बताओ। मी, गुड, वेरी गुड। व्हाट, कि आपने कभी पंजाब साइड गए हो या वैसे भी कहीं पे भी गए हो तो वहां पे खेत देखे हो या फील्ड्स देखी हो, देखी हैं। गुड, ठीक है। चलो अब उसमें हमने वो देखी है जो फसलें होती हैं, फसलें जो हमने उगाया होता है फील्ड पे, फसलें। गुड, वेरी गुड। तो सब समझ जाएंगे अब जिसने देखा है, ठीक है, बाकी भी समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फसलें देखी है ना, जमीन से उगती हुई आ रही होती है तो हवा चल रही होती है, वो कैसे कैसे लहरा रही होती है, ऐसे 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 वेव्स आ रही होती है ना उनके अंदर जब हम देखते हैं। इन माय विलेज, गुड। तो देखा होगा फिर आपने उधर जो खेती हुई होती है, ऐसे ऐसे वेव्स आ रही होती है उनमें, है ना, ऐसे फसलों की तरह फसलें मूव कर रही होती है। तो इस स्टेप को हमें वैसे ही परफॉर्म करना है, कैसे, लेग हमारी चार बारी बैकवर्ड ही उठेगी स्विंग करती हुई, 1 2 3 4, जितना इसमें बॉडी को स्विंग कराओगे उतना स्टेप अच्छा लगेगा, ठीक है। जितना सीधा सीधा स्टेप रखे करोगे उतने स्टेप की लुक नहीं आएगी। स्विंग कराया, 1 right side to left side, फिर right side to left side, ठीक है। अब हैंड मूवमेंट देखो, हाथ पहले हमारे दोनों होंगे नीचे की साइड, बॉडी बेंड राइट साइड पे, राइट हैंड नीचे होगा, लेफ्ट लेग उठेगी। 1, पहले खाली हैंड मूवमेंट देखो, 1। अब यहां से ऐसे घूमते हुए, ऐसे फसल उड़ती हुई लेफ्ट साइड पे आ गई, ठीक है। अब यहां से फसल उड़ती हुई राइट साइड पे आ गई। अब दोबारा यहां से जो हमारी फील्ड में फसल है वो उड़ती हुई फिर लेफ्ट साइड पे आ गई। डाउन से उड़ती हुई लेफ्ट पे गई, लेफ्ट से उड़ती हुई राइट पे गई, राइट से उड़ती हुई वापस लेफ्ट पे आ गई, फिर यहाँ से दोबारा नीचे आ जाएगी, सेम स्टेप शुरू हो जाएगा। ये स्टेप करना है 2 बारी, ठीक है। डाउनवर्ड है, यहाँ से उड़ी ऐसे लेफ्ट पे आ गई, लेफ्ट से उड़ी राइट पे आ गई, राइट से उड़ी दोबारा लेफ्ट पे आ गई, नीचे चली गई, फिर आप, ठीक है। लेग मूवमेंट, लेफ्ट लेग उठेगी स्विंग करते हुए गए लेफ्ट साइड, राइट लेग उठी स्विंग करते हुए गए राइट साइड, लेफ्ट लेग उठी फिर लेफ्ट साइड गए राइट लेग उठी, यहां से नीचे आ गए राइट साइड पे नीचे गए दोबारा लेफ्ट लेग उठी, राइट लेफ्ट राइट। क्लियर हुआ, स्लो स्पीड में बताया, क्लियर हुआ। थोड़ा सा फास्ट स्पीड में बता दूं, जैसे सॉन्ग के साथ करना है परफॉर्म। शुड आई टेल, अगर स्लो क्लियर हो गया तो फास्ट पे मूव करूं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, क्लियर। चलो थोड़ा सा फास्ट बताती हूँ, फिर यहां तक सॉन्ग एक और स्टेप बताऊंगी, फिर सॉन्ग के साथ करेंगे, ठीक है। देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, वही स्टेप करना है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे, ठीक है। 4 टाइम, 2 बारी ये स्टेप किया हमने। इसके बाद जो हमने स्टेप करना है वेरी बेसिक, हाथ हमारे ऊपर ही रहेंगे, ओपन हैंड्स, ओपन
लेफ्ट लेग को उठा के राइट के आगे लाना है, फिर उठा के साइडवर्ड, फिर राइट लेग को उठा के लेफ्ट के आगे लाना है, फिर साइडवर्ड, उठा के लेफ्ट के आगे लेके गए साइडवर्ड, उठा के राइट के आगे लेके गए साइडवर्ड, हाथ ऊपर ही रहेंगे, कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 शोल्डर में मूवमेंट कंटिन्यूस रहेगी, बाउंस, शोल्डर बाउंस कंटिन्यूस होते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली शोल्डर्स को बाउंस करते रहना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 वहां से लेकर यहां तक सॉन्ग के साथ, ठीक है, चल। पोजिशन सारी दुनिया ने दिलों कटिया सी, मैं तेरे जो का रब ने तो छटिया सी, मैं छटिया सी मैं
ठीक है ओके। देखो रिपीटिंग, राइट साइड से हाथों को घुमाते हुए लेफ्ट साइड पे ऊपर ले गए, फिर लेफ्ट साइड की डाउन से हाथों को घुमाते हुए राइट साइड पे ऊपर ले गए, साइडवर्ड हो गए, साइड में बेंड करके हल्का 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 शोल्डर्स को मूव करके पीछे लाते जाना है, हाथ कैसे रहेंगे, राइट हैंड आगे लेफ्ट हैंड पीछे, जे आने थोड़ी साथे रिच करनी, ठीक है, थोड़े से बहुत थोड़े से स्टेप, एक आध स्टेप लेफ्ट है उसके बाद रिपीटेड है वही वाला स्टेप, झल्ला जया मैं तू बिछली मिल गई, झल्ला जया मैं तू बिछली मिल गई, ठीक है, धरती नू पहला थर्ड कट दू जे आए कोई साडे विच करनी, ठीक है। अब इसके बाद लेग मूवमेंट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हाथ को दो बारी नीचे वेव करना है, राइट साइड पे लेफ्ट लेग उठ रही है, लेफ्ट साइड पे राइट लेग उठ रही है, एक दो, अब एक बारी ऊपर राइट साइड, एक बारी ऊपर लेफ्ट साइड, लेग मूवमेंट सेम रहेगी, वन टू वन टू, राइट साइड पे गए लेफ्ट लेग उठी, लेफ्ट साइड पे गए राइट लेग उठी, राइट साइड पे गए लेफ्ट लेग उठी, लेफ्ट साइड पे गए राइट लेग उठी, पीछे पीछे आए, वन टू थ्री फोर, ओके। किसको गुस्सा आ रहा है इतना ज्यादा, कौन गुस्से वाले इमोजी भेज रहा है, सॉन्ग पे गुस्सा आ रहा है, मेरे पे गुस्सा आ रहा है, चलो आ जाओ दोबारा यहां से आता स्टार्टिंग से, इसके बाद हमारा वो स्टेप रिपीट है, दो बारी के किधर दो बारी के किधर, तो हम इसको क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे अब अपने सॉन्ग को, ठीक है कंप्लीट करेंगे, दो बारी के किधर दो बारी के किधर दो बारी के किधर दो बारी के किधर, शोल्डर लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट, शोल्डर लेफ्ट कर्व कर्व, झल्ला जया मैं तू भी झल्ली मिल गई, ये मेन स्टेप है हमारे इस गाने का, तो ये सेम रहेगा दोनों बारी जब हमारी ये लाइन आ रही है, ठीक है क्लियर हो गया। पीछे करके आए क्या करना है, राइट साइड पे गए लेफ्ट साइड पे गए राइट साइड पे गए लेफ्ट साइड पे गए, फिर राइट लेफ्ट ठीक है। अब पूरी कोरियो हम करने जा रहे हैं स्टार्टिंग से और हमारी कोरियो फिर खत्म है। लेट मी प्ले दी सॉन्ग ओके चल Thank you, Shagun. Great.
सॉरी भावना, वी हैव शॉर्ट ऑफ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी करने का इतना ज़्यादा। अभी मुझे स्टेप ऑफ द डे भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। कोरियो में हमने किया स्टेप ऑफ द डे, क्या है हमारा स्टेप ऑफ द डे आज का, 1 2 पीछे गए, फिर हैंड्स डाउन किया, आगे आए, ये किया, टर्न किया। अब जो ये मेनली स्टेप है इसका नाम है फुमड़िया, फुमड़िया। और इसको करना कैसे होता है, हमने इसको ना ये टर्न करके ना वेरिएशन करी है, टर्न करके आके इसके स्टेप क्या है वो मेन स्टेप है। कैसे, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अब यहां से जो हम टर्न करके आते हैं ना, लेफ्ट हैंड हमारा नीचे ऐसे आ जाता है, राइट हैंड हमारा ऊपर आ जाता है, ये दिस इज द मेन स्टेप। लेकिन हमने इसकी जगह पे वेरिएशन करी है, हमने एक और टर्न लिया, ठीक है। दिस इज द स्टेप ऑफ अ डे कॉल्ड फुमड़िया। ओके, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया? टिप ऑफ द डे टर्मरिक। टर्मरिक सबको पता क्या होती है, हल्दी, ठीक है। टर्मरिक सबको पता क्या होती है, हल्दी। हल्दी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती है, तो हल्दी को हल्दी वाला दूध या टर्मरिक टी की फॉर्म में लेना शुरू कर दो, बहुत अच्छी है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में जितना गलत है, जितने डिजीजेज है, उनसे फाइट करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है, टर्मरिक मिल्क लेना, टर्मरिक मिल्क लो, बहुत अच्छी नींद भी आएगी आप लोगों को रात को, बॉडी भी बहुत रिलैक्स रहेगी, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टर्मरिक को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, तो वो हमारे डिजीजेस से फाइट करने में हमको हेल्प करती है। पार्ट टिप ऑफ द डे इज स्टार्ट टेकिंग टर्मरिक, ठीक है, चाहे टर्मरिक टी लो, टर्मरिक मिल्क लो, हाँ एट नाइट, नाइट पे लेना सबसे अच्छा है, ठीक है। और ये नहीं पीते ही सो जाना, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट होने का टाइम देना, ठीक है, फिर सोना। दिस इज द टिप ऑफ द डे, स्टेप ऑफ द डे कोरियो, टिप ऑफ द डे वार्म अप, स्ट्रेचिंग डन, ठीक है। सो बाय बाय। और मेरी टिप जो मैंने आप लोगों को मेन टिप दी थी स्टार्टिंग में, वो ध्यान रखना, आज कल में ही अपनी वीडियो सेंड करना स्टार्ट कर दो, ऐसे ना हो जो आप लोगों ने सॉन्ग चुना है उस पर कोई और बना के पहले सेंड कर दे, तो वो इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा जो आप लोगों का फर्स्ट वीडियो सेंड करने पे पड़ेगा। प्रॉपर लाइट, प्रॉपर गाइडलाइन, किसी को कोई डाउट है इंस्टा पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मीट यू ऑल टुमारो विथ सम अमेजिंग कोरियोग्राफी, बाय बाय।